कट। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विकी और आप देख रहे हैं VSK व्लॉग। तो दोस्तों आज जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए और फर्स्ट वैक्सीनेशन होगी मेरी। तो करीब 19 किलोमीटर सरस्वती विहार जाना है मुझे, अपने एरिया से सोनिया विहार से सरस्वती विहार की तरफ जाऊंगा और 19 किलोमीटर का करीब सफ़र है। तो देखते हैं, मतलब रास्ते में धूप बहुत ज़्यादा है, जाने का वैसे बिल्कुल भी मन नहीं है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि फ्यूचर में आपको किसी तरह का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मेरी फर्स्ट वैक्सीनेशन है, सेकेंड भी जल्दी लगवा लेंगे और उम्मीद करता हूँ ये सब जल्दी से ठीक हो जाए और हम किसी राइड पर निकलें। लद्दाख राइड कैंसिल हो गई, हर बाइकर पे सबका होता है, क्या करें यार। चलो निकलेंगे, फिलहाल रास्ता देखते कैसा है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों निकलते हैं और आज वैसे मैं निकलना नहीं चाहता था, ये देखिए गर्मी कितनी हो रही है और धूप तो भाई साहब, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। तो दोस्तों जगह जगह बैरियर लग रहे हैं और घर से ना निकले तो बेस्ट है, क्योंकि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हमें भी अपनी ड्यूटी करनी है घर में रहकर। मैं भी आज करीब महीने भर बाद घर से बाहर निकला हूँ वैक्सीनेशन के लिए और काफ़ी दूर आना पड़ रहा है क्योंकि वैक्सीन कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। तो दोस्तों ख्याल रखिए अपना और चलिए चलते हैं। आगे वाला कट है, ये नहीं है। हाँ आगे बताया था, आगे रुक एक मिनट। दोस्तों वैक्सीनेशन मुझे लग चुकी है और मेरी मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आराम से लग गई, लेकिन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल मना थी उन्होंने, कैमरा वैमरा फ़ोन वोन सब अंदर रखवा दी जेब में, तो कुछ नहीं कर सकते यार, बन जाती तो ज़्यादा बेस्ट रहता, फोटो वोटो बहुत खिंचवाने की सोच थी मेरी। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से वो घूर रही थी फ़ोटो खींचते हुए भी, और यार अब क्या कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी, क्योंकि अगर मैं फ़ोटो वीडियो बनाता तो काफ़ी लोग मोटिवेट होते हैं और शायद लगवाते हैं, क्योंकि अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, लोग मतलब डोज लगवा लगवा के मतलब दूसरे दिन मर जाते हैं, कोई 3 दिन बाद मर रहा है, कोई 4 दिन बाद। यार ऐसा, वैसे तो काफ़ी अच्छी भीड़ थी, मतलब लोग काफ़ी लगवा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है तो मतलब लोग लगवा रहे हैं, लेकिन ये अफवाह फैल रही है या सच्चाई। अच्छा एक चीज़ और है दोस्तों, कि जब इस तरह की कोई अफवाह फैलती है कि लोग मर रहे हैं तो बंदा जब जाता है ना तो घबरा जाता है, दिल जोर जो धड़कता है, ब्लड प्रेशर कई होगा लो हो जाता है, कई होगा हाई हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग जाइए, लेकिन ओहो गाड़ी 100 से पार हो गई थी भाई। हाँ तो दोस्तों जाइए और बिना घबराए जाइए, ऐसे सोचिए कोई चींटी वीटी ने खाट लिया, मतलब आप नॉर्मली कोई वैक्सीन लगवाने जा रहे हो, इतना समझ। ये क्या हो गया भाई यहाँ पे? अच्छा कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? बाइक खड़ी है बस, बंदा दिख नहीं रहा कोई यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो हुआ है, भगवान करे जो ठीक हो, कोई ऐसी ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात ना हो। तो चलिए चलते हैं आगे अपना है, मतलब। तो दोस्तों वैक्सीनेशन हमारी हो चुकी है और हम घर भी आ चुके हैं, वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने नहीं दी तो मतलब अब कुछ उसमें हम कर नहीं सकते। आपने अगर पूरी वीडियो देखी देखा होगा किस तरीके देख रही थी फ़ोटो खींचने पे भी, बट कोई बात नहीं, वैक्सीनेशन हो चुकी है और वैसे कोई ज़्यादा दर्द तो नहीं है, मतलब मुझे हाथ लगाने पर यार हल्का हल्का दर्द हो रहा है हाथ लगाने पर, यहाँ पर हो तो रहा है, तो वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। वैसे तो कहते हैं किसी के मतलब सबको अलग अलग कुछ ना कुछ, किसी को थोड़ा सा फीवर हो जाता है या किसी का गला ख़राब हो जाता है, मतलब किसी के हाथ पैरों में दर्द हो रहा है और किसी को वोमिटिंग सी हो रही है, तो फिलहाल तो ऊपर वाली दुआ से सब कुछ अच्छा खासा है। मुझे तो अभी कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा, मैंने कुछ ऐसा करवाया, हाँ थोड़ा हाथ लगाने पता लगता है थोड़ा दर्द है, बट ये तो इंजेक्शन जब लगता है कोई सा भी इंजेक्शन लगता है ये दर्द तो होता ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल
बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह का न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और हाँ, मतलब कोई भी सीख के नहीं आता, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और ये बहुत ही बुरा टाइम है तो ख्याल रखिए अपनों का, और अपना अपना जरूर रखिए, तभी आप अपनों का ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।